आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है और शारदीय नवरात्र के इस पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। माता के पंडाल सजे हुए हैं और माता के पंडालों में माता की प्रतिमाएं, आकर्षक प्रतिमाएं सजी हुई दिखाई दे रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कई जगह भजन चल रहे हैं, भजनों का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको भजन सुनाते हैं, सुनिए यहाँ पर भजन। माता के भजन लगातार जारी हैं, जगह जगह झांकियां सजाई जा रही हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ एक गुफा बनाई गई है, उस गुफा के जरिए आप माता के दर्शन के लिए जाते हैं और रास्ते में अंधकार में बहुत सारे जो पुराने समय का राक्षस आदि पुराने समय में जो हुआ करते थे उन्हें दिखाने का प्रयास किया गया है। कितना सुंदर रास्ता, डरावना रास्ता भी इसे कहा जा सकता है, बनाया गया है। कितने यहाँ पर दिख रहा होगा लाइट के जरिए, लाइट इफ़ेक्ट्स इतने शानदार दिए गए, इतने बेहतरीन लाइट इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं कि आप ये सब आपको देखते ही बनता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बिजली कड़कती हुई, चमकती हुई भी प्रतीत होती है यहाँ पर। गुप्त अंधकार से होकर आप गुजरते हैं, एक अलग तरह का अनुभव आपको होता है। छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं तो बच्चों का हाथ पकड़ के रखें या बच्चों को गोदी में ज़रूर रखें, क्योंकि ये दृश्य उन्हें कहीं थोड़ा सा डरा सकते हैं। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये देखिए माता यहाँ पर विराजी हुई सामने दिखाई देती हैं। रात के समय लाइट्स का इफ़ेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। माता महाकाली यहाँ पर विराजी हुई हैं। माता महाकाली के द्वारा भूलवश देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया जाता है और वो अपनी भूल को जब स्वीकार करती हैं वो कथा यहाँ पर आपको दिखाई देती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में जगह जगह विराजी हैं माता दुर्गा, शिव की नगरी का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र में लगातार 9 दिनों तक माता के शक्ति के स्वरूपों की पूजा की जाती है।
एक और गुफा यहाँ देख रहे होंगे आप, प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। ये देखिए, अब आप यहाँ से जैसे ही अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर भी आपको, जैसे पिछली बार आपको इसके पहले दिखाया था, आप देखिए यहाँ पर बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही होगी। लाइट इफेक्ट्स इतने ज़बरदस्त, इतने ज़ोरदार लाइट इफेक्ट्स बनाए गए हैं कि जीवंत प्रतीत होती हैं इस तरीके की गुफाएं। ऐसा लगता है कि गुफाओं के अंदर वास्तव में ये आप गुफा से होकर गुजर रहे हैं, इस तरीके की आपको अनुभूति होती है। लाइट के इफेक्ट, सब कुछ लाइट के इफेक्ट्स पर भी निर्भर करता है। फिल्मों में भी आप जो देखते होंगे लाइट के इफेक्ट्स, और ये देखिए यहाँ पर जगह जगह लोगों को खड़ा किया गया है, कहीं पुतले रखे गए हैं। और जैसे ही आप अंदर पहुँचते हैं तब आपको माता रानी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है, चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है, पांचवें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है, छठवें दिन माता का कात्यायनी स्वरूप पूजा जाता है, सातवें दिन माता की कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है, और आठवें दिन माता महागौरी स्वरूप की पूजा माता की जाती है, नौवें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। ये देखिए यहाँ पर डूंडा सिवनी में गाय को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने के लिए यहाँ पर झांकी सजाई गई है, जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उपनगरीय इलाका कहलाता था डूंडा सिवनी, जो वर्तमान में नगर पालिका का कबीर वार्ड का हिस्सा अब कहलाने लगा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता यहाँ पर गौ माता के साथ विराजी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी, और बहुत सारे यहाँ पर जो भी झांकियाँ बनाई गई हैं उन झांकियों में गौ माता का संरक्षण किस तरीके से किया जाए, गौ माता को किस तरह से बचाया जाए, और गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर माता का दर्जा कैसे दिलाया जाए, इसके लिए प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। जगह जगह LED TV लगाए गए हैं, जगह जगह गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो चारों तरफ जिसकी बहुत प्रशंसा की जा रही है। बहुत अच्छी थीम, लोगों का कहना ये है कि बहुत अच्छी थीम यहाँ पर आयोजकों के द्वारा रखी गई है, और आयोजकों के द्वारा बहुत सारे ऐसे पुतले भी बनाए गए हैं, मिट्टी के पुतले हैं, और जिनके जरिए ये बताने का प्रयास किया गया है कि गाय हमारी माता है और गाय को किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। सिवनी में पिछले दिनों घटित एक घटनाक्रम को भी यहाँ पर, बैनगंगा घाट पर जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये बैनगंगा घाट पर जो भी हुआ था वो हम आपको दिखा रहे हैं, चूँकि बहुत निंदनीय कृत्य यहाँ पर किया गया था, और इस निंदनीय कृत्य के बाद कोशिश प्रशासन की ये थी कि यहाँ इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। उसके बाद बहुत सारा गौवंश का मांस भी कथित तौर पर मिला, गौवंश लगातार सिवनी से होकर गुजर रहे हैं और उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। प्रशासन ये कहकर अपनी पीठ ठोक लेता है कि कम से कम पकड़ा जा रहा है। सवाल यही है कि जबलपुर मार्ग से, नरसिंहपुर मार्ग से धूमा, लखनादौन, छपारा, बंडोल, सिवनी, लखनवाड़ा, कुरई, इतने सारे पुलिस थानों से होकर गुजरकर ये
आखिर कैसे निकल जाते हैं अगर किसी को कुरई थाने में पकड़ा गया है तो उसके पहले कुरई थाने के पहले लखनवाड़ा, सिवनी, बंडोल, छपारा, लखनादौन, दूमा इतने थाना प्रभारियों से पूछा जाना चाहिए कि उनके सूचना संकलन क्या है। बहरहाल ये यहाँ पर मंडप, सुंदर मंडप आपको दिखाई दे रहा होगा, माता की सजी धजी प्रतिमा और लाइट इफेक्ट्स भी बहुत ही जोरदार नज़र आ रहे होंगे। सिवनी में गरबा को लेकर बहुत रार लगातार चल रही थी, सोशल मीडिया रंगा हुआ था, गरबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से, कुलीन तरीके से, संस्कारित तरीके से गरबा किया जाता है तो शायद ही किसी को आपत्ति हो। यहाँ देखिए, छोटी सी जगह में महिलाएं और पुरुष पृथक पृथक अपने गरबे का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और मंच के ऊपर छोटे छोटे बच्चे भी आपको फुदकते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये नज़ारे सिवनी शहर में, शिव की नगरी में लगातार ही देखने को मिल रहे हैं और ये सारे नज़ारे आपको आने वाले समय में भी देखने को आगे मिलते रहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसके साथ ही हम आपको ये दिखा रहे हैं माता का ये लगातार 9 दिन का पर्व जारी है। 9 दिनों के इन पर्व पर माता के शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है, चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है, पाँचवें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप को पूजा जाता है, छठवें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप को पूजा जाता है, सातवें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप को पूजा जाता है और आठवें दिन माता के महागौरी स्वरूप को पूजा जाता है। अंतिम दिन 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप को पूजा जाता है। इसके साथ ही अगर ये शारदीय नवरात्र में पूजन चल रहा है तो अंतिम दिन 10वें दिन दशहरा का आयोजन किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर आज होंगे नई जानकारी लेकर। जय हिंद।